अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है ईद का सेकंड डे। और आप पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरा एक पेशेंट है जो कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने एक पेशेंट की 3:30 बजे जाके नॉर्मल डिलीवरी की थी। उसी मेरे जो पेशेंट था उसने एक पेशेंट रेफ़र किया था कि डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी का बहुत ज़्यादा ट्रायल देती हैं तो उनके पास जाएँ। और देखें वो पेशेंट आज ईद वाले दिन आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी इमरजेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। और बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो नॉर्मल हैरियत से फारिग हो जाए। और मेरे शोहर की सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सुबह से तो बेड से उठ नहीं रहे थे। और जैसे ही मैंने कहा कि पेशेंट आ गया और फ़ौरी तौर पर उठ के, ये तो सुहेब का बहुत बहुत एक वो जो है ना, मुझे एज है कि फ़ौरी तौर पे जैसे ही मैं कहती हूँ ना कि मेरे पेन्स में पेशेंट आ गया, बेचारे जिस भी हालत में हों उठ जाते हैं फ़ौरी तौर पे, है ना सुहेब? देखिए सुहेब को भी क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। अब जाके मेरे से खिदमतें करवाने का मूड है ना, मैं पहले आपको जाके डिलीवरी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नॉर्मल केस करते हैं, फिर उसके बाद उसका बेबी दिखाती हूँ और आज पेशेंट की राय भी सुनवाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर निमरा खालिद, गायनेकोलॉजिस्ट। और आज ईद का सेकंड डे है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथों से, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस टाइम छठा हॉस्पिटल में बैठी हूं। मेरे पेशेंट लेबर पेन्स में आ गया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेशेंट जो है वो हैरियत से फारिग हो गया और बहुत प्यारा बेटा पैदा हुआ। अब मैं आपको उसका बेटा भी दिखाती हूँ और पेशेंट्स की भी राय सुनाती हूँ कि उसको कैसा लगा मेरे पास डिलीवरी करा के। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब खुद ही बेबी को बड़े प्यार से ईद वाले दिन आया तो फिर तो बनता है ना कि जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत लकी बेबी है हमारा। हाँ ये लकी तो हुआ, ये है जी बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अभी ईद वाले दिन आ गया, मुझे अपना शक पड़ा था कि ईद वाले दिन मैं कहीं खुद ना आ जाऊँ, लेकिन ये नहीं है, मैं खुद नहीं आई थी, पेशेंट आ गया। माशाल्लाह से हेल्दी सा बेबी है। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया था कि उसकी वालदा फारिग हो गई है, अब हम उन्हें शिफ्ट करने लगे हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि उसकी राय सुनती हूँ ना, लेकिन वो मेरी पेशेंट जो है वो शरई पर्दा करती है, इसलिए सिर्फ उसकी आवाज़ आपको सुनवाऊंगी, ठीक है? अच्छा मारिया बताओ कैसा लगा आपको मेरे पास डिलीवरी करा के? बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा ऊँचा बोलो ना, सबको सुनाई दे। जी जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, इवन कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इधर ही आना है और किसी को अगर बताना है तो इधर का ही बताना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ ये देखें जी, ये है जी काका, मम्मा अपनी की गोद में प्यारा सा काका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ईद वाले दिन आया इमरजेंसी क्रिएट करके, लेकिन बिल्कुल ठीक है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। इसने मुझे इतनी इमरजेंसी डाली कि मैंने इसकी डिलीवरी जो है ना वो खाली हाथों के साथ की है, विदाउट एनी ग्लव्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं एंड बेहतर हो तो हर चीज़ बेहतर होती है। मैं नॉर्मल के लिए एंड तक वेट करती हूँ, इसका भी पहला ही बच्चा था, हम नॉर्मल का ही वेट कर रहे थे। जब नॉर्मल का वेट करते हैं तो फिर आपका इमरजेंसी किसी भी टाइम पड़ सकती है, इसलिए इमरजेंसी नॉर्मल, अगर आपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने पेशेंट को नॉर्मल ट्राई देनी है तो वो फिर हर वक्त इमरजेंसी के लिए तैयार रहे।